अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन मैक फोल्ड ओवर। चिकन मैक फोल्ड ओवर के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच चीनी, 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कलौंजी, 1 चाय का चम्मच ईस्ट यानी खमीर, 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल, 1/2 कप दूध और 1/2 किलो चिकन का कीमा, 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम नीम गर्म दूध में ईस्ट डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब हम मैदे के अंदर 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और कलौंजी, नमक, चीनी ये डाल के मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें दूध डाल के गून लेंगे। नरम डो हमने बनानी है। डो को हम थोड़ा सा हीट करेंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट करने रख देंगे ताकि ये फूल के डबल साइज में हो जाए। प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे। चलिए जितनी देर हमारी डो रेस्ट पे है हम चिकन पैटी तैयार कर लेते हैं। चिकन कीमे के अंदर हम काली मिर्चों का पाउडर, नमक, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन पाउडर ये सब डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के हम थोड़ा सा कीमा उठा कर चिकन पैटी बना लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी सब कीमे की बना लेंगे। पैटी बना के हम एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। अब हम इसमें चिकन पैटी डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हम अपनी मीडियम रखेंगे और जब नीचे वाली साइड पक जाएगी तो हम इसको पलट देंगे। ये नीचे वाली साइड दोनों साइडें हमारी पक चुकी हैं। 7 से 8 मिनट लगे हैं हमारी पैटी को पकने में और ये तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। 1 घंटा हो चुका है हमारी डो को रेस्ट होते हुए और ये फूल के डबल साइज में हो चुकी है। चले अब हम इसकी ब्रेड तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा नीट कर लेंगे डो को। काउंटर में भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और डो उठा के इसमें डालेंगे। अच्छी तरह नीट करके हम इसके पेड़े बना लेंगे। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। बेलने के बाद अब हम इसको उठाएंगे और तवे में डाल देंगे। तवा हमारा पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था हमने और इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर हम फॉक से निशान लगा लेंगे और जब ऊपर हमारे बबल आने लगे तो हम इसको पलट देंगे। बबल आना शुरू हो चुके हैं और नीचे वाली साइड पक चुकी है। अब हम इसको पलट देंगे और ऐसे ही हम पका लेंगे नीचे वाली साइड को भी। दोनों साइड हमारी पक चुकी हैं ब्रेड की। अब हम इसको उतार लेते हैं और ऐसे ही हम बाकी के भी पेड़ों की ब्रेड बना लेंगे। ब्रेड हमारी तैयार है। देखिए कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार बनी है, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 प्लेट लेंगे, इसके अंदर हम 1 ब्रेड डालेंगे, चिकन पैटी उठाएंगे, रखेंगे, अब इसके ऊपर हम टमाटर के स्लाइस भी डालेंगे, प्याज के स्लाइस। वेजिटेबल में आप अपनी मर्जी से कोई सी भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। सलाद के पत्ते,
केचप, मैं चिली केचप डाल रही हूँ, मायोनीज। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार मैक चिकन फोल्ड ओवर हमारा रेडी है। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करें वीडियो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। चलती हूँ, दोबारा हाजिर होंगी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।